हे गाइस, दिस इज अ मोनू। यू आर वाचिंग नौकरी पोर्टल। सो आज मैं आप लोग को बता दूं कि टॉप 9 वैकेंसी जो है फरवरी में आया है, वो मीन्स ऑनलाइन चालू है। तो उसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये टॉप 9 जो जॉब है फरवरी में, तो आज मैं उसके बारे में आप लोग के पास डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज सबसे पहला जो ये है, आप लोग को बता दें कि सबसे पहला आप लोग देख सकते हैं ये एसएससी एमटीएस एंड हवलदार। इसमें टोटल पोस्ट जो है 12,523 है। एमटीएस एक है पहला 18 से 25 ईयर जो 19,329 है। एमटीएस 18 से 27 ईयर्स जो 26,065 है। हवलदार जो कि 529 है। एग्जाम डेट जो है इसका 4 अप्रैल 2023 को है। और क्वालिफिकेशन जो रखा गया वो 10th पास रखा गया है, ठीक है। इसमें जो एमटीएस का इस बार का जो 2023 का है, इसका ये पैटर्न चेंज कर दिया गया, जिसमें सेक्शन 1 और सेक्शन 2 रखा गया है, ठीक है। दूसरा है जो आप लोग देख सकते हैं, जिसको खुफिया विभाग कहते हैं, जिसको आईबी सिक्योरिटी एंड असिस्टेंट एंड एमटीएस, ठीक है। इसमें जो टोटल पोस्ट है ये है 1675 है, जिसमें एग्जीक्यूटिव के लिए 1525 है और एमटीएस के लिए 150। लास्ट डेट जो है इसका 17 फरवरी को है और एज जो है इसका 1827 ईयर्स रखा गया एग्जीक्यूटिव का, और एज फॉर एमटीएस का रखा गया 1825 ईयर्स। क्वालिफिकेशन जो है इसका 10th पास होना चाहिए। दूसरा जो अभी सबसे ज्यादा वैकेंसी जो दिया गया है, ये इंडियन पोस्ट जीडीएस का, जिसमें 40,889 सीट है। इसका लास्ट डेट जो है ये 16 फरवरी को है और करेक्शन डेट जो है, कोई भी तरह की अगर गलती हो गया फॉर्म फिलअप करने में, तो 17 से 19 फरवरी तक आप लोग कर सकते हैं। ये जो है 18 से 40 ईयर्स रखा गया। क्वालिफिकेशन जो है 10th विथ मैथ एंड इंग्लिश रखा गया। और इसमें जो है कि जीडीएस है, उसके बाद बीएमपी है, ब्रांच पोस्ट मास्टर ए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये तीनों है, जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम। दूसरा जो है कोस्ट गार्ड नेवी का है, जिसमें जीडी और डीवी का है। टोटल पोस्ट जो है इसमें 255 है। जीडी का जो है 255 है, डीवी का 30 है। और इसका अप्लाई डेट है जो 6 फरवरी से 16 फरवरी तक है। एज जो है इसका 18 से 22 ईयर्स रखा गया है। और जीडी का क्वालिफिकेशन जो रखा गया है 10+2 विथ मैथ फिजिक्स, और डीवी का क्वालिफिकेशन जो है 10th पास रखा गया है। दूसरा है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, जिसमें टोटल है 1753 सीट। इसमें अप्लाई डेट जो है ये फरवरी तक है। एज जो है 18 से 25 ईयर्स है। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास होना चाहिए। दूसरा जो है सीएसएफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर का है, जिसमें टोटल पोस्ट है 451। इसका लास्ट डेट अगर बात करें तो 22 फरवरी तक है और एज जो है 21 से 27 ईयर्स रखा गया है। क्वालिफिकेशन 10th पास है। तीसरा जो सबसे स्टेट का सबसे पावरफुल जॉब कीजिए कहिए इसको पटना हाईकोर्ट में, क्योंकि अगर आप इसमें क्लर्क का भी काम करते हैं तो वो अपने आप में बहुत मायने रखता है। जिसमें टोटल पोस्ट है 550। अप्लाई डेट जो है इसका 6/2/2023 तक है और एज जो है 18 से 27 ईयर्स रखा गया है। और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ कंप्यूटर, क्योंकि मैंने इसका एक पूरा इसका पूरा डिटेल का वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और तीसरा जो है ये आठवां जो है ये एसएससी फेज, जो हर साल एसएससी निकालती है, जो कि एसएससी 5 के नाम से 4 या 5 के नाम से जाना जाता है। इसमें टोटल पोस्ट है जो 3,000 से प्लस पोस्ट है। क्वालिफिकेशन जो है इसका 10th 12th और ग्रेजुएशन रखा गया। ये जो है 18 से प्लस रखा गया। और 9 का जो है ये फरवरी में आया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें टोटल पोस्ट 1255 है। इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रखा गया, जिसमें आईएफएस जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसमें इंक्लूड है, ठीक है। ए जो है इसका आईएफएस के लिए क्वालिफिकेशन दूसरा होगा, लेकिन ये इधर आईएएस या आईपीएस के लिए ये ग्रेजुएशन होना चाहिए। दूसरा जो एज है ये 21 से 32 ईयर्स रखा गया और अप्लाई डेट जो है 1/2/2023 से चालू हो गया। तो टोटल ये ऑल फरवरी में जो टोटल 9 वैकेंसी है, तो इसके बारे में पूरा डिस्कस कर दिया हूँ। अगर कोई और न्यू नोटिफिकेशन आता है तो मैं इस नौकरी पोर्टल के माध्यम से आप लोग को दूंगा। सो तब तक के लिए जय हिंद। और मेरे चैनल पे जो नए हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ठीक है। और मेरे फेसबुक और मेरे टेलीग्राम पेज से आप लोग अवश्य जुड़ें। सो धन्यवाद।